हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम में स्वागत है। पर्युषण नवरात्रि विजयादशमी के बाद आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भारत देश के सबसे बड़े एवं प्रमुख त्योहार की। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की, जो कि पूरे ही देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों को हर साल दिवाली के इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। अमावस पर पड़ने वाले इस त्योहार को अंधेरे पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, बुराई पर अच्छाई की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक माना जाता है। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी पूजा दिन, शुभ मुहूर्त, दीपावली की कथा और पूजन से जुड़ी खास बातें। इन सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहें। तो आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजन होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी इस दिन धरती पर ही आती हैं। इसलिए लोग इस दिन घर को साफ सुथरा रख के रंगोली बनाते हैं और दीप जलाते हैं। इस साल महालक्ष्मी पूजन 4 नवंबर को है। इस पावन दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिवाली अश्विन माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से शुरू होती है और कार्तिक की शुक्ल पक्ष द्वितीया को समाप्त होती है। अब हम आपको अवगत कराएंगे महालक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त से। अमावस्या तिथि प्रारंभ 4 नवंबर 2021 को प्रातः 6:03 से, अमावस्या तिथि समाप्त 5 नवंबर 2021 को प्रातः 2:44 से और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:09 से रात्रि 8:20 तक है। पूजन अवधि 1 घंटे 55 मिनट की है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। दीपावली से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। माँ लक्ष्मी उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं जो क्रोध नहीं करते हैं, जो सभी से प्रेम से बात करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्रोध ना करें। किसी भी पूजन से पहले भगवान गणेश की पूजन की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महालक्ष्मी के पावन दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन विधि विधान से करें। आइए अब हम आपको अवगत कराते हैं दीपावली की कथा से। एक समय में एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक बार लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी ने अपने पिता से पूछकर लक्ष्मी जी से दोस्ती की और वे दोनों अच्छी सहेलियाँ बन गईं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को घर बुलाया और बहुत सारे पकवान सोने की थाली में परोसे और उसे सोने की चौकी पर बिठाया। लक्ष्मी जी ने उसकी बहुत खातिर की। फिर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को घर बुलाया, परंतु लड़की के घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। तब उसके पिता ने उससे कहा कि जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, तुम अभी घर को साफ करके लिंप दो और दीप जला दो। तभी एक चील रानी के गले से नौलखा हार छीनकर अपने पंजे में पकड़ के ले जा रहा था। उसके पंजे से नौलखा हार गिर गया और वह हार साहूकार के घर पर गिरा। उसके बाद घोषणा हुई कि रानी का हार जिसे मिले वह उसे राजा को दे दे। साहूकार राजा को हार वापस देने गया, तभी राजा प्रसन्न हुआ और उसने साहूकार को कुछ भी मांगने को कहा। तब साहूकार ने राजा से अपनी बेटी की सहेली लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, सोने की थाली और 36 पकवान मांगे। राजा ने तुरंत ही सब कुछ दे दिया। उसके बाद वह घर आया और जब लक्ष्मी जी और गणेश जी उनके वहां आए, तब साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब खातिर की और सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में पकवान परोसे। लक्ष्मी जी इसे बहुत प्रसन्न हुई और उनका घर धन धान्य से भर दिया। तो यह तो थी दीपावली की पावन कथा।
आप हमें कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखकर बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों से भरी रोशनी लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। हैप्पी दीपावली।